मैं जब से यूट्यूब पर आया हूँ, आप लोग को फिर पता होगा, जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं ट्राई करता हूँ ना वो सारे कंटेंट को दिखाने का जो मैं कहीं से भी देखता नहीं हूँ अभी, कभी से कहीं से मैं कुछ करता नहीं हूँ, ठीक है। और रहा बात, मुझे फ्रेंड आज ही मुझे एक मेल आता है, ठीक है, मैं मेल को दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर मुझे मेल आता है कि लाइक केस एंड डिसीज नोटिस फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड नोटिस फॉर ब्रीच ऑफ टर्म एंड ऑफ सर्विसेज। इन्होंने बेसिकली इस मेल में क्या मेंशन किया था, ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को पता होगा मैंने माइंडट्रिक पर मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको मटेरियल वगैरह शेयर करा था, ठीक है। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि आपको मतलब क्या क्या आपको पैटर्न पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने जो है क्वेश्चन को लीक कर दिया है, मतलब मैंने क्वेश्चन को बता दिया है। बट ये मैंने वीडियो अपलोड किया था 20 मई, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आफ्टर 20 मई। और दूसरी बात ये, मैंने इस वीडियो में खुद कहा था कि ये जो मैंने जितना भी मैंने मटेरियल वगैरह लिया है ये सारा मैंने ऑनलाइन से लिया है, ठीक है, गूगल से सर्च मार के लिया है। अगर आप लोग गूगल में सर्च भी करते हो ना, जैसे कि आप लोग लिखते हो माइंडट्रिक क्वेश्चन पेपर, तो फिर आपको सबसे पहले फेस फ्लिप का मिलेगा। और मैंने सारा जो मैंने पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर करा था ना, आप लोग पता होगा, आप लोग अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो इस पीडीएफ में जिसे मैंने अभी ब्लर कर दिया है, इसमें मैंने जितना भी पेपर वगैरह सॉल्व किया सब मैंने यहाँ से उठाया था। सारा पेपर मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, बस यहाँ से मैं गया था इसे कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। तो सोचो यार फ्रेंड, मैं छोटा सा जगह से बिलोंग करता हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ, मेहनत करता हूँ, और यहाँ से मैं आप लोग फ्रेंड पता हो मैं वीडियो में बोलता भी हूँ कि मैं क्वेश्चन बस गूगल से सर्च मार के कॉपी पेस्ट करके एक पीडीएफ बनाता हूँ, ठीक है। तो वो जो मेरे पर जो एक्शन ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, सोचो वो मुझ पर ये कर रहे हैं यार। अगर आप देखोगे तो फेस प्रिप ऑलरेडी एक क्वेश्चन शेयर किया, प्रिपिस्टा शेयर किया, फ्रेशर्स नाउ शेयर किया गया है, हिट बुलाइज किया गया है, एल्पेगनिक ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर किया गया है, इंडियन बिग शेयर किया है, मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब इतने सारे साइट्स को छोड़ाकर इनको कौन सा साइट देखने को मिला है, freshersocjob.com, मतलब मेरे वाला साइट जिसमें मैंने शेयर करा था, ये इस साइट को मिला है, जिसका अभी तक कोई मंथली कोई विजिट नहीं आता मेरे इस वेबसाइट पर, ठीक है। इस वेबसाइट में मेरा कोई मंथली विजिट भी नहीं है और ना ही इस पर लोग उतना विजिट भी करते हैं, बस इसमें मैं अपना जॉब के रिलेटेड वीडियो शेयर वगैरह करता हूँ, ठीक है। नोटिस कहाँ पड़ा है, एक छोटे से बच्चे पर जिसका बस एम एक ही है कि मैं दूसरों को हेल्प करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को फ्री में मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब मैं लेता भी कहाँ से हूँ, गूगल से जो ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन नहीं यार, इतना तो मुझे समझ में आ गया ना कि लोग छोटों को ज़्यादा मतलब ये करते हैं यार। ये आप लोग देखे भी होंगे, लेट सपोज अगर आप किसी बड़े घर के बेटे हो या फिर आपका बहुत ज़्यादा फेम है इंडिया में या फिर आपको लोग ज़्यादा जानते हैं लोग, तो आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप लोग छोटे से जगह से बिलोंग करते हो ना, लोग आपको कोई भी पूछेंगे नहीं। मैं यहाँ तक पहुँचा उसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे मिले जो मेरा बहुत हद तक कॉपी किए थे, अब मैं उन लोगों को देखता तक नहीं हूँ। लेकिन पता है एक बात तो मुझे अच्छे समझ में आ गया यूट्यूब पे आने के बाद कि यार मतलब जो भी कर लो यार, लोग हैं ना छोटे लोगों को ज़्यादा दबाते हैं, बड़े लोगों को तो देखते तक नहीं है। मुझे बोल रहे कि मैंने आंसर शेयर किया है, मैंने अपना ऑलरेडी मैंने डिलीट कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ का लिंक शेयर करा था, मैंने पीडीएफ पूरा ही डिलीट कर दिया है, ठीक है। मैंने जो पीडीएफ डिलीट कर दिया, फिर वो लोग मुझे मेल करते हैं, कॉल मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनका, और पता है इस तरह से उन्होंने बात करा है ना, मैं चाहूँ तो वो ऑडियो को सुना सकता हूँ आप लोग को, बट मैं दिखाऊँगा नहीं, ठीक है। देखेंगे फ्रेंड, ये मेरा हट चुका है ये वाला, ठीक है, ये आप लोग पास नहीं आएगा, ठीक है, ये ट्रेस आ चुका है। फिर देखिए तो यहाँ पर आपका ट्रेस है, ठीक है। आप लोग जब इसे अपने लिंक पर ओपन करेंगे आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा मैं हटा लिया हूँ। लेकिन पता है इतना ज़्यादा हरासमेंट मुझे किया जा रहा है फ्रेंड, इतना ज़्यादा हरासमेंट मुझे किया जा रहा है ना, 4 से 5 बार मैं नंबर दिया उसे कि आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, वो लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप इसको अच्छा बताओ मैंने इस पर कहाँ शेयर किया है, किसी का कोई कहाँ मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर किया, मैंने बस एक गूगल ड्राइव का पीडीएफ लिंक शेयर किया जिसे मैंने ऑलरेडी मैं ट्रैश कर चुका हूँ, ये डिलीट है, अगर मैं रिस्टोर करूँगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं इसे डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना एम्प्टी ट्रैश, डिलीट फॉर एवर, देखो ये डिलीट हो चुका फॉर एवर हमेशा के लिए, अब ये कभी नहीं आ सकता, ठीक है, डिलीट हो चुका है, मैं हटा चुका हूँ इसे। लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि मैंने इसमें आंसर शेयर किया, मैंने कहाँ आंसर शेयर किया है। इसके बाद भी लोग इतने हरासमेंट कर रहे हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं। बस यार आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट यार, बस आप लोग बस मुझे बस बचा लीजिएगा यहाँ से, बस सपोर्ट थोड़ा बहुत आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। मुझे पता है हम लोग जितने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, मेरा जो कंटेंट था, मेरा जो आइडिया था यूट्यूब पर आने का, एक यूनिक आइडिया मैं लेके आया था, ठीक है। आप लोगों देखे भी होंगे फ्रेंड, बहुत लोग मेरे कॉपी भी करते, मैं चाहूँ तो सबका कॉपीराइट स्ट्राइक भी दिखा सकता हूँ, मैं भेज भी सकता हूँ, लेकिन किसी को जल्दी भेजता नहीं हूँ। अब मैं छोड़ दिया हूँ किसी को देखना जो मेरा कॉपी करते हैं, ठीक है। लोग मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं देखो सर आपका एकदम सेम टू सेम उठा कर डाल दिया है, बट मैं तो ध्यान देता नहीं हूँ, ठीक है।
आप लोगों को अगर जानना होगा ना कि कौन कौन कितने कितने लोग मेरे कॉपीराइट कितने कितने लोग मेरे कॉपी करते हैं, तो मैं डिसलाइक को काउंट कर लीजिएगा। जितने लोग डिसलाइक करेंगे मतलब कि वो लोग सारे मेरे कॉपी करते हैं और खुद का कंटेंट बनाते हैं, मतलब खुद का बनाते हैं मेरा कंटेंट को कॉपी करके, बस दूसरा आईडी से सब्सक्राइब करके रखते हैं, जैसे नोटिफिकेशन जाता है खुद का वीडियो अपलोड हो जाता है। आपने माइंडट्री का देखा होगा, माइंडट्री सबसे पहला वीडियो मेरा अपलोड हुआ था, माइंडट्री सबसे पहला वीडियो मेरा अपलोड हुआ था, ठीक है, सबसे पहला वीडियो मेरा अपलोड हुआ था। आप लोग इन्फोस का देखिएगा, जूनियर अकाउंटेंट सबसे पहला वीडियो मेरा अपलोड हुआ था, उसके बाद ही सारी जो जो यूट्यूब चैनल है देखिएगा मेरा बाद सब अपलोड किया है। देखिएगा पहले कौन अपलोड करता है, बाद में कौन अपलोड करता है, मतलब कि जो बच्चे जो जो शांत है लोग उसी को उंगली दिखाते हैं यार। मतलब क्या सब्सक्राइबर है यार, 23,000-24,000 है जिसका, 1.5-2 लाख उन लोग को उंगली करो ना यार, और हरासमेंट किया जा रहा है। मैं भी केस ठोक सकता हूँ उसके ऊपर, मैं बस चाह रहा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा वो लोग हरासमेंट मुझे कर रहे हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ उनका और मैं ले भी लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरा ज़्यादा मुझे हरासमेंट लगे, मुझे ज़्यादा मुझे लगे कि वो मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, मैं उनका मेल दिखा दूँगा, नाम भी बता दूँगा, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके पास पावर है को केस करने का, तो मेरे पास भी लीगल पावर है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कहीं मैंने उस कंपनी का नाम ही नहीं लिया, बस मैंने वीडियो में खुद बताया था कि मैंने सारा कुछ, मैंने क्वेश्चन और आंसर मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया है, मैं खुद का कंटेंट नहीं लिखा हूँ, मैंने खुद बताया। मैं क्वेश्चन आंसर कहाँ से लाऊंगा, मैं तो गूगल से सर्च करूंगा ना, आप लोग भी एक नॉर्मल इंसान क्या सर्च शेयर करोगे, माइंडट्री क्वेश्चन पेपर सर्च करोगे ना। देखो ऑलरेडी लोग क्या क्या सर्च करते हैं, माइंडट्री कोडिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन, माइंडट्री एप्टीट्यूड क्वेश्चन, एप्टीट्यूड क्वेश्चन प्लेसमेंट पेपर, सोचो लोग इतने सर्च करते हैं, लोग इतने सर्च करते हैं, तो इन लोग ये लोग सर्च कर तभी तो यहाँ पर शो कर रहा है ना। मतलब किसे उंगली करना, मेरे को उंगली करना है। आप पता फ्रेंड क्या बताया गया मुझे, आपको 3 लाख रुपया पे करना होगा अगर आप वीडियो को डिलीट नहीं मारेंगे, तो मैं वीडियो को डिलीट क्यों करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। प्लीज़ यार आप लोग, बस आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ यार जो लोग मुझे दिल से चाहते हैं, दिल से समझते हैं कि हाँ मैं मेहनत करता हूँ, डेली के वीडियोज़ बनाता हूँ, फ्रेंड आप लोग को पता होगा कितना मेहनत लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये लोग झूठ का एगो, मैं डरता नहीं उस चीज़ से, लेकिन यार जो लोग बड़े लोग को उंगली करो ना यार, बड़े बड़े यूट्यूबर को उंगली करो ना, छोटे को क्यों उंगली करके दिखाते हो यार, क्या कर लोगे छोटे पर छोटे लोगों पर धोप जमा के। आई नो जिस ये वीडियो वो लोग भी जरूर देखेंगे, बट हम लोग मेरे पर उंगली जमा के क्या होगा, मेरे पर उंगली दिखा के मेरे पर घमंड ये करके क्या होगा, दिखाना तो बड़े लोगों पर दिखाओ ना। भारत में इतना भ्रष्टाचार है उसको दूर करो ना, भारत में इतना अनएम्प्लॉयमेंट ही है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करो ना, दूर करना है तो लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है उसे दूर करो ना। एक छोटा सा अगर मैं शेयर कर दिया हूँ, एक बार नोटिस भेजते हैं, एक बार बोल देते कि देखो यार, देखो पप्पू कुमार पासी जी आपने इसे शेयर किया है, आप मैं चाहता हूँ डिलीट कर दो, डायरेक्ट लीगल नोटिस कर दो, डायरेक्ट केस कर दो ना मेरे ऊपर में, बोलो बंदूक लेके आओ मुझे उड़ा दो, है ना, जो मुझे मेल कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट बोलो मुझे उड़ा दो। देखो यहाँ पर मैंने मेल खोल के रखा है, देखेंगे फिर आपको लोग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये मेल है। डाट भेज दो कि आपने मेरा ये किया है, आपको मैं गोगली से उड़ा दूंगा, आपके पास वकील है, मेरे पास वकील नहीं है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओके, मैं दिखा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ा हुआ है, किस तरह से आपने मुझसे बात किया ना, किस तरह से हरासमेंट किया ना, किस तरह से आपने पैसे का नाम लिया ना, कि आपको मुझे पैसा पे आप पप्पू कुमार आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, सर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं शेयर कर दूं, ठीक है। और इस वीडियो मैंने जो भी मटेरियल शेयर करा था ना, मैं खुद बताया था, मैंने इसे गूगल में सर्च मार के निकाला हूँ, मैं गूगल में सर्च मार के निकाला हूँ। अरे यार जब ध्यान देना है तो आप लोग इतने सारे वेबसाइट पर क्यों नहीं ध्यान देते हो, मेरा छोटा सा वेबसाइट जो कि कल पैदा हुआ है, कल दुनिया में मैंने खड़ा किया, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इतने सारे इस पर ध्यान नहीं जा रहा, ये सब कहाँ से आए हैं, ये सब कहाँ से टपके हैं, इस सब पर ध्यान दे दो यार, फ्रेशर वर्ल्ड सब कहाँ गया, ये सब कहाँ से आया है, कहाँ गया, इस सब पर ध्यान दो, ध्यान देना मेरे ऊपर में, क्योंकि हम है ना,